हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेवेंथ लेसन, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये लेसन के जो एक्सप्लेनेशंस है उसके साथ में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले वीडियोज़ के मतलब जो लेसन है उनके आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मैथ्स के वीडियोज़ भी मैं अपलोड करते रहती हूँ, तो आप लोगों को मैथ्स में भी ज़रूर हेल्प होगी। तो चलिए हम देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन। टू बॉक्सेस इन द डिफरेंट हेमिस्फीयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अभी हेमिस्फीयर क्या है सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी जो आपने ग्लोब देख लिया है यहाँ पर, तो इसमें ना ग्लोब को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। फिर उसके बाद दिया है द आइडियल पासेस थ्रू बोथ द बॉक्सेस। अभी आइडियल का मतलब क्या है, व्हाट इज आइडियल? तो आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये आप लोग लिख कर रखो, अंडरलाइन करके रखो, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पर अगर उसके ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए आएगा तो आप कर सकते हो आइडियल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो पासेस थ्रू द बोथ बॉक्सेस इन वन बॉक्स द मेरिडियन, वन बॉक्स द मेरिडियन डे एंड डेट इज गिवन। एक में क्या दिया है, डे और डेट दिया हुआ है। फाइंड द डे एंड डेट फॉर द अदर बॉक्स। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, दूसरे बॉक्स में जो डे और डेट है उसे फाइंड करके आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। ओके, तो इसका आंसर कैसा है, यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है इसे आप लोग कंटिन्यू करें। एक बार मैं रीडिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट बॉक्स में दिया है 150 वेस्ट मेरिडियन मंडे एंड 15 अगस्त दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे डे दिया, इसमें ऐसे दिया हुआ है, और दूसरे में दिया है 150 डिग्री ईस्ट मेरिडियन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, और दूसरा दिया है 18 डिग्री वेस्ट है, डब्ल्यू मतलब वेस्ट होता है मेरिडियन, और यहाँ पे 170 डिग्री ईस्ट मेरिडियन संडे 25 दिसंबर, ठीक है। मेरिडियन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जो मेरिडियन के ऊपर से पास होता है जैसे, तो वो अकॉर्डिंग वहाँ पर डे और डेट चेंज होते जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 24 दिसंबर 10 PM। ओके, तो यहाँ पर 2200 hours कम्प्लीट हो रहे हैं, इसीलिए 2200 hours कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आंसर मैंने दे दिया है, और ऊपर वाले का आंसर आपको आएगा थर्सडे 16 अगस्त 6 AM। तो यहाँ पे 600 hours कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 दिया था, तो अभी क्या होगा, ये 16 अगस्त आएगा, ठीक है, 150 मेरिडियन में। तो आप यहाँ पर देखोगे ना ये डायग्राम, तो आप लोगों के पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 0 degree मेरिडियन यहाँ पर है, ये 0 है, 30 है, 60 है, 90, 120, 150 देन 80, देन अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है 150, यहाँ इसका ऑपोजिट प्रॉपर ये 120, लेकिन ये क्या है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, हाँ ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 60 दिया हुआ है, और मतलब अगर ये दोनों यहाँ से चलने लगेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्सडे दिया हुआ है, मिड डे है, थर्सडे का ये मिड डे है सुनील और मीनल। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया चलना, तो ये यहाँ पर रिपीट कंटिन्यू करके ये रिटर्न आएगा, और इसने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ पर दोनों भी मिलेंगे मिडनाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही यहाँ पर आसानी से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये अर्थ का ऊपर से पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिक सेंट्रल सर्कल दिया हुआ है, ये ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर दिया है, एंड दिस इज इक्वेटर, मतलब ये जो मिडल पार्ट है हमारे अर्थ का, वो मिडल पार्ट यहाँ पर ऐसे दिया गया है। जैसे अगर डायग्राम है तो मैं आप लोगों को वो भी एक बार दिखा देती हूँ। ओके, तो ये जो मिडल पार्ट है ना, ये ऊपर से मतलब यहाँ से फोकस किया गया है, जो वो डायग्राम है पीछे का उसमें यहाँ से फोकस की, तो पीछे का जो डायग्राम है ना उसमें यहाँ से ऊपर से फोकस किया गया है, ठीक है। ओके, जैसे हम कैप को ऊपर से देखेंगे कैसे दिखेगा, उस तरह से यहाँ पर दिया गया है पीछे के डायग्राम में। चलो, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हाइल क्रॉसिंग द IDL, अ पर्सन विल हैव टू ऐड वन डे वेन ट्रैवलिंग फ्रॉम, वन डे पूरा ट्रैवलिंग के लिए लगेगा कब,
जब वेस्ट टू ईस्ट वो ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है, देन डे लगेगा, डे दिया हुआ है, ओके। देन सेकेंड, इफ इट इज़ वेनसडे 10 AM एट 15 degree east, 15 degree east के ऊपर, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पर, 15 degree east के ऊपर मतलब यहाँ, ये दोनों के मिडल में, यहाँ पर 15 degree east दिया हुआ है मेरिडियन, वैन वॉट विल बी द टाइम एट आइडियल, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर क्या टाइम रहेगा, तो वेनसडे 9 PM रहेगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एट विच मेरिडियन डज द डे एंड डेट चेंज ऑक्योर, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के ऊपर क्या होता है, डे और डेट चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये क्या दिया है, मिड नाइट दिया है, और मिड नाइट 12 बजे के बाद क्या होता है, डेट चेंज होता है, बराबर है ना, ओके। उसके बाद एट विच डायरेक्शन ऑफ आइडियल डज अ न्यू डे स्टार्ट इमीजिएटली वेस्ट, कौन सा डायरेक्शन में डेट चेंज होता है, तो यहाँ पर आप देखो, इसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ मिड नाइट है, यहाँ पे 12 बजे है रात के, और जैसे ही 12 बजे के बाद यहाँ पर आप देखोगे वेस्ट स्टार्ट हो रहा है, और 12 बजने के बाद जब 1 degree स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर डेट भी चेंज हो रहा है, ओके, और न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो इसका आंसर है वेस्ट। फिर उसके बाद 5th दिया हुआ है, आइडियल ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल्स, इसका आंसर है ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, ओके। आफ्टर दैट 3rd क्वेश्चन इज गिव ज्योग्राफिकल रीजन, आइडियल इज प्रोवाइडिंग टू बी वेरी हेल्पफुल सॉरी यूजफुल इन टूडेज टाइम्स, तो आज के टाइम्स में आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप देखोगे यहाँ पर पेज नंबर 60 के ऊपर दिया हुआ है, द आइडियल ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज, द आइडियल हैज़ बीन कर्व्ड आउट ऑफ नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन टाइम एंड डेट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टूडेज मॉडर्न एरा एंड रैपिडली हैपनिंग्स ग्लोबल डेवलपमेंट, वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ डे एंड टाइम एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ आइडियल इन केस ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन एस स्पेशली विच रिस्पेक्ट टू एयरवेज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द आइडियल द शेड्यूल्स ऑफ द ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड आर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, ओके। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे पता है, ये पूरे आंसर को जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप दिया है ना, उसे एक एक पॉइंट्स में आप लोग डाल दो, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है, फिर सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ, फिर थर्ड पॉइंट स्टार्ट हुआ, ऐसे आप लोगों को ये पॉइंट वाइज लिखना है, बिकॉज आप लोग अभी 9th में हो, और जो 9th 10th का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स वाइज लिखोगे ना, तो आपको आंसर्स अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे, एंड ऑल्सो पैटर्न जब आपके टीचर्स आपका पेपर पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, तो आप लोगों को पॉइंट्स अकॉर्डिंग मार्क्स भी अच्छे से देंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो, द डे स्टार्ट्स इन पैसिफिक ओशंस ऑन द अर्थ, तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसे ही फॉलो करो। उसके बाद हम देखेंगे 4th क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ, तो ब्रीफ में हमें ये आंसर्स लिखने हैं, तो फर्स्ट दिया है, व्हाट कंसिडरेशन हैव बीन मेड वाइल डिसाइडिंग द आईडीएल, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इसका आंसर यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 60 के ऊपर दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन में, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ये आंसर को, और उसके बाद यहाँ से इतना आप लोग एक पॉइंट ले लो, देन आफ्टर आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू मेक द आइडियल पास थ्रू द पैसिफिक ओशंस कम्प्लीटली, हैड इट पास्ड थ्रू लैंड और सम आइलैंड्स, द पीपल देयर वुड हैव हैड टू फॉलो द डिफरेंट डेट्स एंड टाइमिंग्स, बिकॉज डेट वुड्स हैव बीन डिफरेंट ऑन देयर ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट
ऑल्सो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू नो वेन वन अक्रॉस वेन क्रॉसेज द आइडियल्स ऑन द लैंड एंड वेन द डेट चेंजेस ऑन द कैलेंडर देयरफॉर द आइडियल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक द 180 डिग्री मेरिडियन एट प्लेसेस इट टर्न्स ईस्ट व्हाइल एट अदर प्लेसेस इट टर्न्स वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये कंटिन्यू करना है। देन ये 4.1 हो गया है। अभी 4.2 देखिए, व्हाइल क्रॉसिंग द आइडियल व्हाट चेंजेस विल यू मेक, तो कौन से चेंजेस हमें करने हैं यहाँ पर ऐसे पूछा गया है। तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया है। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज आइडियल नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक द 180 डिग्री मेरिडियन। तो 180 डिग्री मेरिडियन के जैसे ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, जो आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन है वो स्ट्रेट क्यों नहीं है, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आइडियल दिया गया है और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड और फोर्थ जो है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। सो व्हाई डजंट द आइडियल पास थ्रू द लैंड। ओके, तो इसका आंसर और ये सेम आंसर है, दोनों को सेम आंसर ही लिखना है। फिर उसके बाद व्हाई इज द आइडियल कंसिडर्ड द रिस्पेक्ट टू द 180 डिग्री मेरिडियन ओनली। तो इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है। विथ सम एक्सपेक्टेशन 180 डिग्री मेरिडियन पासेस मैक्सिमम ओवर द वाटर पार्ट वाटर पार्ट एंड ओशन, हैंस 180 डिग्री मेरिडियन वॉज यूज टू ड्रॉ द आइडियल। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग एन एटलस। तो एटलस मतलब क्या होता है, जिसमें पूरे मैप्स होते हैं। तो यो यूज़ करके हमें बताना है, टेल द विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स द आइडियल विल बी क्रॉस्ड एंड शो देम ऑन द मैप। और उसे आप लोगों को मैप के ऊपर भी दिखाना है। तो ये मैप के लिए आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 पॉइंट दिए हैं तो 5 मार्क्स के लिए, क्या इसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करके 2 आते हैं तो 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क के लिए भी आएगा, बिकॉज ये एक क्वेश्चन होगा आंसर और आप लोगों को प्लस मैप पे भी दिखाना है उसका 1 मार्क। ऐसे आप लोगों को ये 4 मार्क के लिए आ सकता है। मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस एंड टोक्यो। तो ये क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रूट्स द आइडियल विल क्रॉस्ड। तो यस, ये आइडियल रूट को क्रॉस करते हैं। फिर सेकंड दिया है दिल्ली, कोलकाता, सिंगापुर एंड मेलबर्नी। तो ये नहीं क्रॉस करता है, तो इसे नो लिखना है। देन थर्ड है कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को। तो यस, इसका आंसर यस है। चेन्नई, सिंगापुर, टोक्यो, सिडनी, देन सैंटियागो। तो ये भी यस है। दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, तो ये नो है। ठीक है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे दे रही हूँ इसका जो मैप आप लोगों को दिया गया है। तो ये वर्ल्ड मैप के ऊपर रूट्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, इसे आप लोगों को फॉलो करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे आंसर्स आप लोगों को मिल गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, मतलब नेक्स्ट लेसन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर देखिए दिया है ना जो ये मैप, इसमें आप लोगों को दिखाना है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है, आप लोग इसे फॉलो करो और यहाँ पर उसे फील करो। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले लेसन्स के वीडियोज़ आप लोग देख सको और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ ही मेरे वीडियोज़ आप लोग देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिले। और जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग फॉलो करते रहिए ताकि आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे मैं फुलफ़िल कर सकूँ। ठीक है, चलो तो बाय।